ओ भाई क्या हो गया, क्यों तिल मिला हुआ इतना? भाई तो मुझे बात, मेट्रो में सीट के लिए इन लड़कियों को इतनी दिक्कत है। वैसे तो बड़ा फेमिनिज्म फेमिनिज्म करेंगी, लेकिन साला जहाँ मेट्रो की सीट की बात आएगी इनका फेमिनिज्म क्यों गायब है यार? तो एक सीट ही तो है ना वो, और मिल गई उन्हें तो क्या हुआ, हम लड़कों को तो वैसे ही बहुत सुविधाएं हैं यार। भाई तू क्यों इतना बड़ा फेमिनिस्ट बन रहा है यार? सुन, तुम जैसा गद्दार होते हो जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है, साला उनसे दोस्ती करोगे तो हमें दुश्मन मानती है। मुझे ना भाई तेरे जैसे इंसान के साथ साला दोस्ती रखनी ही नहीं है यार। आसिम आसिम बात तो समझ समझ। अब एक बात बताऊं आप लोगों को, इन जैसे लोगों की वजह से ना हमारे देश की लड़कियां अपना जीवन इस देश में डर डर के काट रही हैं। और आज मैं बता देता हूं आपको फेमिनिज्म का मतलब, पता है क्या होता है? सिंपल सी भाषा में इक्वालिटी, मर्द और औरत, मेन एंड वुमेन, बोथ द सेक्सेस आर सेम। इसको सपोर्ट करने वाला कोई किसी के अगेंस्ट नहीं होता, और ना ही इसको सपोर्ट करने वाला मर्द औरत बन जाता है। सिर्फ उस कॉन्शियस मर्द को इतना पता है कि एक औरत जो है रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या झेलती है, कि इट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ वुमन इन इंडिया। अब मुझे एक बात बताओ ना आप लोग, अगर लड़कियां ही कहती हैं कि मर्दों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है तो इसमें क्या गलत कहती हैं? नहीं मुझे बता दो आप क्या गलत कहती हैं वो इसमें। हमारा नाम इसीलिए लिया जाता है क्योंकि हम करते हैं, और नॉट ऑल मेन कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक या दो पर्टिकुलर लोग नहीं है जो ये ऐसी हरकतें करते हैं लोगों के साथ। ये कहीं भी चले जाएं, कुछ भी पहन रखा हो, चाहे दिन का कोई भी टाइम हो, इनके ऊपर कमेंट्स पास होते हैं, इनको छेड़ा जाता है, इनको यहाँ वहाँ टच किया जाता है, तो हमारे ऊपर तो नाम आएगा ही ना। अगर आप अगर हम मर्द पूरे पूरे कपड़े पहन कर भरी दोपहरी में बाहर निकले और हमको हर दूसरी लड़की सड़क पर आती जाती छेड़े, तो क्या आप नहीं कहेंगे यार इन लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है यार, ऊपर से लेके नीचे तक देखती रहती हैं, कभी लड़की नहीं देखी इन्होंने पहले? और वैसे तो हम सब अपने आप को मर्द कहते हैं, सैक्रिफाइसेस की मूरत, ये हार्ड वर्क, वो लेबर, न जाने क्या क्या, पर अगर मेट्रो के कोच में 4 से ज्यादा सीट्स लड़कियों को दे दी ना तो हमको मिर्च लग जाती है पता नहीं क्यों। अरे कभी लड़कियों को देखा है कंप्लेन करते हुए कि मेट्रो के कोच में 80% 90% सीटें मर्दों को क्यों दी गई हैं? क्यों? और अब ये मत आर्ग्यूमेंट देना कि उनके लिए तो पूरा एक कोच होता है, वो कोच भी हम जैसे लड़कों की वजह से बनाया गया, क्योंकि हम उनको चैन से बैठने नहीं देते, खड़ा नहीं होने देते, यहाँ वहाँ छूने लग जाते हैं उनको। और हाँ, हूँ मैं फेमिनिस्ट यार, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है अगर मैं कह रहा हूँ कि दोनों जेंडर्स इक्वल हैं, दोनों जेंडर को इक्वालिटी दो, दोनों को समान देखो, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं है जरूरत है इक्वालिटी की? मुझे एक बात बताओ ना, आज के टाइम में भी लड़कों को घर का काम करना नहीं आता, बट हर लड़की को जज करेंगे कि इसको घर का काम करना नहीं आता, इसको खाना बनाना नहीं आता, क्यों? कौन से संविधान में लिखा है कि सारे काम लड़का नहीं कर सकता और सिर्फ लड़की के सारे काम? अरे कहने को तो हम भारतवासी ना पता नहीं कहाँ कहाँ हुए हैं, चांद पर चले गए, मार्स मिशन कर लिया, एक साथ 100 की 100 सैटेलाइट छोड़ दी, बट जमीनी हकीकत क्या है मैं बताता हूँ। आज भी एक बाप घर में बेटा होने का इंतजार करता है ताकि उसके साथ वो क्रिकेट खेल सके, जबकि उसकी 4 साल की बेटी घर पर है और उसके हाथों में गुड़िया है। आज भी हम चीजें पिंक और ब्लू से डिसाइड करते हैं, पिंक लड़कियों का कलर, ब्लू लड़कों का कलर। आज की सदी में भी अगर कोई लड़की आपको रोड पे बाइक चलाते हुए दिख जाए ना तो पूरा का पूरा मार्केट ताड़ने लग जाता है। और यहाँ तक तो रेप जैसी वारदातें रोकने के लिए हमने पता है क्या तोड़ निकाला है, कि अपनी माँ बहन बहू बेटी या जितनी भी महिलाएं हैं ना आपकी जिंदगी में और घर में, उनको घर से बाहर ही मत निकलने दो अंधेरे के बाद। अरे कहाँ का लॉजिक है यार ये, मतलब इन्हीं के ऊपर सारी रोक टोक क्यों? इनके साथ तो गलत हो रहा है, इनके ऊपर क्यों रोक टोक कर रहे हैं हम? गलती तो उनकी है ना, उनको रोकना चाहिए हमको। और पहनना क्या, खाना क्या, उठना क्या, बैठना क्या, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा लगा के हमने इनको जंजीरों में बांध लिया है। और दूसरी बात, मैं कोई बात ये बताऊं ना कि क्या ये घरों में भी सेफ हैं? कभी दूर वाले मौसा जी तो कभी पड़ोस वाले अंकल, सबकी गंदी निगाहें इनके ऊपर होती हैं, कहां जाएंगी लड़कियां? अब अगर आप ही बताओ ना, अगर आपकी जिंदगी में, आप भी छोड़ो, हमारी जिंदगी में ऐसे प्रतिबंध लगने शुरू हो जाए, लोग हर चीज पर आपत्ति जताने लग जाए कि आप इसके साथ क्यों बैठ रहे हो, इसके साथ क्यों उठ रहे हो, इस समय पर घर आओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, वो मत खाओ, ये मत खाओ, तो कैसा आपको कैदी जैसा फील नहीं होगा? क्या आप किसी मूवमेंट का सहारा नहीं लोगे कि हम अपने हक पाए? यही मूवमेंट है फेमिनिज्म, यही मूवमेंट था वो पिंजरा तोड़, इसमें गलत क्या है? और आपने एक कहावत सुनी होगी हर किसी के मुंह से, लड़कियां पराया धन होती हैं। कैसे? अरे भाई लड़की है वो, लड़की कोई कमोडिटी नहीं है कि शादी नाम की डील करी और उसको छोड़ दिया ससुराल वालों की रहमत पर। अरे कोई आइटम नहीं है, कोई बाय एंड सेल करने की चीज़ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई सरदर्द नहीं है, कोई कमोडिटी नहीं है लड़की यार, उसको सिर्फ एक इंसान की नज़र से देखो आप। और बहुत सिखा लिया यार हमने लड़कियों को, अब ज़रूरत है हमें सीखने की, हमें सीखना है कि कैसे इनको रिस्पेक्ट करें, इनको और इनके आउटलुक को रिस्पेक्ट करें, इनके करे डिसीजंस को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि बॉस
अगर ये नहीं होंगी ना तो कल नहीं होगा। और एक बात याद दिला दूं आपको, अगर आप किसी की माँ बहन बेटी के बारे में गलत सोच सकते हैं ना, तो कल को आपकी भी बेटी होगी। आपके घर में माँ भी है और बहन भी है। आप जैसा किसी और की बेटी के साथ करेंगे, वैसा ही आपकी माँ बहन और बेटी के साथ भी हो सकता है। और कितनी आयरोनिकल बात है ना कि हम खुद को इस भारत माँ के बेटे कहते हैं और इसी भारत माँ की बेटियों का हमने क्या चल कर रखा है। तो प्लीज़ खुद से स्टार्ट कीजिए इस चेंज को, तभी दुनिया बदलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसका मैसेज अच्छा लगा, तो इसीलिए इसको शेयर करें और अपने दोस्तों को टैग करें। किसी के प्रॉफिट के लिए ना करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।